नहीं आ रहा मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। तो चलो यहाँ पे बन रहा है खाना, आलू की टिक्की। डेकोरेशन अभी हुआ नहीं भैया, वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज है हमारे घर के पास पार्टी, जन्मदिन की, बहुत ही काफी अच्छा प्रोग्राम है। तो मुझे जाना है वहां पे, तो भी मेरा टाइम होने वाला है, तो मुझे यार रेडी होना है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। तो चलो फटाफट से थोड़ा सा पार्टी का पार्टी है बिल्कुल घर के पास ही। यहाँ पे बन रहा है खाना, क्या बना रहे हो भैया? आलू की टिक्की। पाव भाजी। और क्या क्या बन रहा है? पाव भाजी। पाव भाजी बोल। अच्छा बोल। डेकोरेशन अभी हुआ नहीं भैया? फ्रेंड्स, आपने डेकोरेशन तो देख ही लिया है कि बड़ी धमाकेदार तैयारियां हो रही है, तो मुझे लगता है यार मुझे भी धमाकेदार रेडी होना चाहिए। अगर मैं नहीं जाती तो मुझे पता नहीं लगता कि कितना बड़ा फंक्शन है, लेकिन अब मुझे पता चल गया बड़े फंक्शन के हिसाब से तो सुंदर तैयार होना पड़ेगा। चलो चलो चलो, ड्रेस निकालते हैं। पहने क्या, पहने क्या, समझ नहीं आ रहा, मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी हूँ। और यार ऊपर तो कुछ डालना ही पड़ेगा। तो सो फ्रेंड्स, ये वाली शर्ट मैंने दिल्ली से खरीदी थी ओनली 100 रुपीज की। तो इतने दिन दिखाने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज आपको दिखा देती हूँ। समझ नहीं आया कि मैं क्या पहनू। ये वाली ड्रेस मेरे को रात को अच्छी लगेगी, लग रहा पहनी हुई ना, हील पहन के ना। सो फ्रेंड्स, मेरा मन कर रहा है कि रात को शाइनिंग वाली ड्रेस पहनू, ताकि लाइटों में मैं भी शाइन करती रहू, सितारों की तरह जगमगाती रहू। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि वो ब्लैक वाला जो शर्ट मैंने दिखाया था वो इसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि लॉन्ग ही वो हो गया, लॉन्ग ही गाउन हो गया, तो यार सुंदर नहीं लगेगा। तो चलो देखते हैं कि कौन सी जैकेट पहने। सो फ्रेंड्स, दिक्कत हो गई यार, मैं ये वाला गाउन कैसे पहनूं, क्योंकि मेरे ना ससुर लोग होंगे गली के मोहल्ले के, तो अच्छा नहीं लगेगा, कहेंगे कि इतना क्या मंजू यूट्यूब पे करने लगे कि दुपट्टे ही फेंक डाले। तो यार मैं इस गाउन को रख देती हूँ साइड में और कुछ और चुनती हूँ कि मैं क्या पहनू। मुझे ना मदद करो कि मैं क्या पहनू। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ कोई अच्छा सा सूट वोट। सो फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ कि ये वाला पंजाबी सूट पहन लेती हूँ मैं सिल्क में, इसके ऊपर चलो जैकेट देखते हैं कौन सी डाले। गाइज, मेरे बाल बुल तो मैंने अभी सेट नहीं किया, लेकिन मेरा सूट कुछ इस तरह से है। सूट है ये मेरा सिल्क का पंजाबी सूट, और ये मैंने ना शादी की सालगिरह पे बनवाया था। तो आपको मेरा सूट कैसा लग रहा है कमेंट्स करके बताएं। सो फ्रेंड्स, देख रहे हैं कि ये सर्ग इसके ऊपर अच्छी लगेगी या नहीं, तो चलो फटाफट से ट्राई करते हैं। यार ठंड बहुत लग रही है सच में, क्या बताऊं, मेरा तो पार्टी में जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन सर्दी बहुत लग रही है, क्या करो। ये पहना हुआ सर्ग काफी अच्छा लग रहा है, आप मुझे कॉमेंट्स करके बताना की आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। सो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं पहले ही रेडी हो गई थी, क्योंकि मैंने बनाई थी एक मोजो बॉक्स होल वीडियो, जो जल्दी ही सुबह आपके पास आने वाली है, और उसके बाद जाएगी ये बर्थडे की वीडियो। अगर भाई साहब आपने नहीं देखी तो फटाफट से लिंक पे क्लिक करिए और मोजो बॉक्स वाली वीडियो देख लीजिए, कि मारे जो मेरे आगे आ रहा है वो मैं डाले जा रही हूँ और करे जा रही हूँ। फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं बर्थडे पार्टी में और करेंगे वहां पे इंजॉय। तो यहाँ पे आंटी मेरी और अपनी प्लेट ले रही हैं, मेरी तो यहाँ पे पड़ी है प्लेट, और आंटी अपनी भी ले रहे हैं, ये रहे, और ये भैया है जो डाल रहे हैं सबको, बहुत मेहनत कर रहे हैं बेचारे। मंजू सी की बेटी राव्या, डांसिंग राव्या। मंजू आंटी बड़ी मम्मी है, और बिट्टू दीदी, और मेरी दादी माँ। तो गाइस, यहाँ पे मंजू आंटी खा रही, पाव भाजी मैं भी खा रहा हूँ। हाय दादी माँ, हाय, हम मिलते हैं आपको खाने के बाद में, तब तक लिए बाय। तो गाइस, तो यहाँ पे आंटी कर रही पाव भाजी, मैंने धीरे से वीडियो बना रहा हूँ आंटी की, और आंटी का ध्यान रखना चाहिए, बचेगा बचेगा बचेगा। गाइस, मैं धीरे सी वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे आंटी को पता नहीं लगना चाहिए, आंटी को बिल्कुल ही नहीं पता लग रहा, राव्या को पता लग चुका। Yeah.
चलो 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 ये खाना है, हम खा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं और अभी आ गए हैं घर पे। काफी मजा आया, बर्थडे बहुत ही अच्छा था और हमने काफी खाया पिया और इंजॉय किया। और आपको भी वीडियो में देखना, वीडियो एंजॉय करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, भर भर के सब्सक्राइब करना। बाय, गुड नाइट।